दरवाजा खटखटाने की आवाज महक को बार बार सुनाई दे रही थी। दस्तक खिड़की के कांच पर नहीं बल्कि महक के कानों पर हो रही थी। महक इस ठकठक से इतनी ज्यादा बेचैन हो गई कि उसकी आंखें खुल गई, मगर खिड़की की तरफ देखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। तभी उसके कानों पर किसी की आवाज आई, कैसी हो मेरी प्यारी महक? महक ने हड़बड़ाकर खिड़की की तरफ देखा, लेकिन खिड़की में खुद को खड़ा देखकर वो हैरान रह गई। उसने देखा उसकी हमशक्ल जोर जोर से खिड़की के कांच पर अपना हाथ मार रही थी। डर से महक का गला सूख गया। तभी महक ने खिड़की के पास खड़ी अपनी हमशक्ल के पीछे एक विशाल शैतान को देखा, जिसकी हंसी बहुत भयानक थी। अचानक उसने उसकी हमशक्ल को दबोच लिया, उसकी गर्दन में अपने लंबे लंबे दांत गड़ाकर उसका खून पीने लगा। तभी वो खतरनाक शैतान महक की तरफ देखने लगा। महक बुरी तरह परेशान हो गई और उठकर बैठ गई। वो सपना देख रही थी। उसके शौहर आनंद की भी आंख खुल गई। क्या हुआ महक, तुम्हारे चेहरे पर यह पसीना कैसा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अनंत, मैंने फिर वही ख्वाब देखा। मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे ये ख्वाब बार बार क्यों आता है। कितनी बार कहा है महक कि सपने सिर्फ सपने ही होते हैं। तुम भी ना जरा जरा सी बात पर डर जाती हो। नहीं अनंत, एक ख्वाब एक बार आ सकता है, दो बार आ सकता है, बार बार नहीं आ सकता। और ये ख्वाब मुझे कई बार दिखाई दे चुका है। महक की बात पर आनंद हंसते हुए बोला, और उस सपने में तुम उस खिड़की के बाहर खड़ी हो और तुम्हारे पीछे एक शैतान खड़ा है जो छिपकली की तरह दिखता है। कम ऑन महक, तुम्हारे ये सपने के बारे में सुन सुनकर मैं थक चुका हूँ। लेकिन मुझे ये ख्वाब बार बार क्यों आता है अनंत? अब इस बारे में मैं तुम्हें क्या बता सकता हूँ, इस बारे में कल किसी पंडित से पूछ लेना। हाँ, फिलहाल मैं इतना कह सकता हूँ कि सो जाओ, सुबह मुझे जल्दी उठना है। इतना कहकर अनंत सो गया, मगर महक की आंखों से नींद कोसों दूर थी। कि शादी को सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। अनंत एक बिजनेसमैन था। शादी के बाद वो महक को लेकर अपने पुराने बंगले पर आ गया था, मगर इस बंगले में आने के कुछ दिनों बाद महक को ये सपना बार बार आने लगा। बेड पर बैठे बैठे महक की आंख लग गई। सुबह अनंत के ऑफिस जाते ही महक पास वाले मंदिर के पुजारी के पास चली गई। पंडित जी, मैं अपनी एक परेशानी लेकर आपके पास आई हूँ। बोलो बेटी, क्या परेशानी है तुम्हारी? पंडित जी, कुछ महीनों से लगातार मुझे एक ही ख्वाब बार बार आ रहा है। कैसा सपना? महक ने एक ही सांस में अपने सपने के बारे में पंडित को सब बता दिया। सपने में बारे में सुनकर पंडित बुरी तरह से चौंक गया और वो महक की ओर देखकर बोला, तुम रहती कहाँ हो? इस मंदिर से थोड़ी दूर जो एक पुराना बंगला बना है ना, अनंत पैलेस के नाम से, मैं वहीं पर रहती हूँ। कुछ महीने पहले ही अपने शौहर के साथ मैं वहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ। और सच तो ये है पंडित जी कि मैं जब से उस बंगले में शिफ्ट हुई हूँ ना, तभी से मुझे ये ख्वाब बार बार आ रहा है। महक की बात सुनकर पंडित के माथे पर पसीना आ गया। मेरी एक सलाह मानो बेटी, उस बंगले से जितना जल्दी निकल सकती हो निकल जाओ। इस बारे में किसी से जिक्र नहीं करना, यहाँ तक कि अपने शौहर से भी नहीं। ऐसा क्या है उस बंगले में? उस बंगले में मौत के तांडव के अलावा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ, वो बंगला एक शैतान नुमा इंसान का है, बल्कि उसे दरिंदा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इतना कहकर पंडित वहाँ से चला गया। महक घबराती हुई घर आ गई और शाम का इंतजार करने लगी। शाम को आनंद के आते ही महक ने ना चाहते हुए भी पंडित के द्वारा बताई गई सारी बातें आनंद को बता दी। महक की बात सुनकर आनंद हंसते हुए बोला, कल रात तो मैंने सिर्फ मजाक में पंडित के पास जाने के लिए बोल दिया था और तुम सच में चली गई। महक, तुम पढ़ी लिखी हो। मुझे उस पंडित की बातों में सच्चाई लग रही है। मुझे लगता है कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। अगर ऐसा है तो फिर मुझे आज तक कुछ महसूस क्यों नहीं हुआ? ये सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। आज मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ। मैं अकेली नहीं रह सकती अनंत। मैं जानता हूँ, तुम एक काम करो, तुम अपने दोस्त निधि को यहाँ बुला लो, कल सुबह तक मैं वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर आनंद तैयार होकर वहाँ से निकल गया।
महक ने अपने दोस्त निधि को फोन करके रात में रुकने के लिए अपने बंगले में बुला लिया। अचानक आधी रात को महक को अपने बेडरूम का दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई थी। महक तुरंत उठकर बैठ गई। महक के साथ ऐसा पहली बार हुआ था कि उसे खिड़की की बजाय के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी थी। उसकी नजर अचानक दीवार पर लगी हुई घड़ी पर चली गई। उसने देखा रात के 3 बज रहे थे। तभी उसके कानों में अनंत की आवाज टकराई, दरवाजा खोलो, मैं हूं महक। महक अपनी आंखों को मसल कर इधर उधर देखने लगी कि कहीं वो फिर से तो सपना नहीं देख रही। लेकिन उसके कानों में अनंत की फिर से आवाज टकराई, दरवाजा खोलो महक। महक को अब यकीन आ गया था कि वो सपना नहीं सच था। उसने देखा कि उसकी दोस्त निधि गहरी नींद में सो रही है। महक ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि अनंत का चेहरा बेहद भयानक, काला और छिपकली जैसा था, ठीक वैसा ही जैसा उसे सपने में अनंत के पीछे काली परछाई दिखाई देती थी। अनंत अपनी भयानक आंखों से महक को देखकर किसी दरिंदे की तरह हंसने लगा। महक बुरी तरह से चीखने लगी। महक के चीखने से निधि अचानक हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई, मगर सामने उस भयानक चेहरे को देखकर निधि के गले से भी जोरदार चीख निकल गई। देखते ही देखते वो खौफनाक शैतान बिजली की रफ्तार से निधि के करीब आ गया और उसने अपने नुकीले पंजे से एक ही झटके में निधि की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। निधि एक भयानक चीख के साथ फर्श पर गिर पड़ी। ये सब देखकर महक के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। महक अपना सर दीवार पर मारने लगी कि तभी उसके कानों में उस भयानक दरिंदे की भारी आवाज टकराई, सर टकराने से कोई फायदा नहीं है, ये सपना नहीं बल्कि सच है। आवाज सुनकर महक की हैरत का ठिकाना नहीं रहा। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसके शौहर आनंद की थी, जो वहशी मुस्कान लिए हुए महक की तरफ देख रहा था। महक कपकपाती हुई बोली, कौन हो तुम? तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। नहीं, तुम मेरे शौहर नहीं हो सकते, तुम कोई शैतानी दरिंदे हो। वो भयानक चेहरे वाला महक को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा ही था कि पीछे से किसी ने आकर महक को अपनी तरफ खींच लिया। महक ने देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि उसी मंदिर का पुजारी था, जिनके हाथ में एक अद्भुत त्रिशूल। पुजारी को देखकर उस दरिंदे की आंखें और ज्यादा भयानक हो गई। वहीं रुक जा मूर्ख, मैं जानता हूँ कि ये तेरी आखिरी शिकार है, इसके बाद तू अमर हो जाएगा और फिर खुलकर मौत का तांडव करेगा। चाहता तो इस लड़की को मैं तेरे बारे में दोपहर में ही बता देता, लेकिन मैं जानता था कि ये मेरी बात पर यकीन नहीं करेगी। मैं जानता था कि आज अमावस की रात है और आज की रात तू इसकी कुर्बानी जरूर लेगा। तूने इस बेचारी की दोस्त को भी मार डाला, इसने क्या बिगाड़ा था तेरा? पुजारी की बात सुनकर महक फटी फटी आंखों से पुजारी की तरफ देखने लगी। हाँ, ये सब क्या है पंडित जी? तुम्हारा शौहर एक शैतान है, एक दरिंदा है बेटी, वही दरिंदा जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। जब मैं बहुत छोटा था तब भी ये जवान था, अलग अलग शहरों में जाकर अपनी खूबसूरती के जाल में खातूनों को फंसाना और फिर अमावस की रात में उनकी कुर्बानी देकर उनका खून पी जाना, यही इसका काम है। आपको इसके बारे में इतना कैसे मालूम? क्योंकि मेरी बहन को भी अपने प्यार में फंसा कर इस दरिंदे ने इसी जगह मारा था, तब मेरी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया था। तभी उस भयानक दरिंदे ने बिजली की रफ्तार से आकर अपने पंजे उस पुजारी के सीने में गाड़ दिए। लेकिन पुजारी ने अपनी पूरी ताकत से त्रिशूल उसके सीने में गाड़ दिया। देखते ही देखते उसके शरीर में आग लग गई। कुछ ही पलों में उसका शरीर राख में बदल गया। रात के 11 बज रहे थे, वो 31 दिसंबर की रात थी। अशोक अपने कमरे में बैठकर अपने दोस्तों के फोन का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे अपने दोस्तों के साथ न्यू ईयर पार्टी में जाना था। अचानक अशोक के मोबाइल की घंटी बज उठी। फोन उसके दोस्त रवि का था। हेलो अशोक, तू तैयार हो गया?
तुझे याद है ना, रोहन ने अपने घर पर न्यू ईयर पार्टी रखी है, हमें वहीं जाना है। अरे यार रवि, मैं तेरे ही फोन का इंतजार कर रहा था, मैं तो बहुत देर से तैयार बैठा हूँ। वैसे एक बात बता, क्या निखिल और गौरव भी आ रहे हैं न्यू ईयर पार्टी में? हाँ यार, वो भी आ रहे हैं। अरे उनके बगैर तो न्यू ईयर पार्टी अधूरी रह जाएगी, धमाल तो वही दोनों करते हैं। तो एक काम कर, तू रोहन के घर पर निकल, हम लोग तुझे वहीं पर मिलेंगे। ठीक है। इतना कहकर अशोक ने फोन रख दिया और घर से बाहर निकल गया। रोहन की पार्टी में अशोक के यहाँ बहुत सारे दोस्त आए हुए थे। पार्टी बेहद बढ़िया थी, सबने बेहद एंजॉय किया। पार्टी में गौरव और रवि ने बहुत ड्रिंक कर ली और वो लोग ड्राइविंग करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं थे। तो अशोक ने सोचा कि उन दोनों को घर छोड़ देता हूँ, फिर अपने घर चला जाऊंगा। अशोक अपने दोस्तों को लेकर पार्टी से बाहर निकल गया। रात के 1:30 बज रहे थे, ना ही कोई रिक्शा मिल रहा था और ना ही कोई टैक्सी मिल रही थी, तो वो लोग चलते चलते बेहद दूर निकल गए। लेकिन उन्हें फिर भी ना ही कोई रिक्शा मिला और ना ही कोई टैक्सी मिली। अशोक ने सोचा कि कैब बुला लेते हैं और फिर अशोक ने कैब बुक कर दी और वो दोनों कैब का इंतजार करने लगे। पूरी सड़क एकदम सुनसान थी, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। अशोक ने आसपास बैठने के लिए जगह ढूंढी, लेकिन उसे कहीं पर भी कोई जगह नहीं मिली। उसने आसपास देखा कि अगर कोई दुकान खुली हो, लेकिन उसे कोई दुकान भी खुली नहीं मिली। तभी इतने में अशोक को एक दुकान की लाइट जलती हुई दिखी। वो दुकान दो दुकानों के बीच में एक छोटी सी जगह पर थी, जो कुछ अजीब सी थी, मानो बेहद पुरानी हो। अशोक वहां अपने दोनों दोस्तों को लेकर गया। उस दुकान का बोर्ड बेहद अजीब था। उस दुकान के बोर्ड के दो आखिरी सिरे पर दो अजीब सी शक्ल बनी हुई थी और उन शक्लों में से सींग भी निकले हुए थे, मानो किसी शैतान की शक्ल हो। उस बोर्ड पर लिखा हुआ था शापित बस्ती। अशोक ने देखा और वो दुकान नींबू पानी और कोल्ड ड्रिंक्स की थी और उसके अंदर बैठने की जगह भी थी। अशोक ने दुकान के बाहर खड़े रहकर आवाज लगाई, कोई है अंदर? इतने में एक बूढ़ा सा दिखने वाला व्यक्ति उस दुकान से बाहर आया। उसे देखकर अशोक को कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। उसने एक फटी पुरानी चादर ओढ़ रखी थी और चादर के नीचे के कपड़े ठीक से दिख नहीं रहे थे, सिर्फ चादर ही दिख रही थी। उनकी शक्ल बेहद भयानक थी और उनके शक्ल पर एक अजीब सी कशिश थी। उसके चेहरे की लाली ऐसी थी मानो कोई जिंदा इंसान ना हो। क्या हम अंदर बैठ सकते हैं? वो हमारी कैब थोड़ी ही देर में आती होगी। आ, अंदर आ जाओ। वो सब अंदर बैठ गए। कुछ लोगे नींबू पानी या फिर कुछ और? अशोक को ख्याल आया और वो मन में बोला, गौरव और रवि को नींबू पानी पिला देता हूँ, जिससे उनका हैंगओवर थोड़ा कम हो जाएगा। दो नींबू पानी दे दीजिएगा। अशोक चांद की तरफ देख रहा था। उस दिन पूरे चांद की रात थी, चांद बहुत चमक रहा था। वो बस चांद को देखे ही जा रहा था कि तभी उसकी नजर दुकान के मालिक पर गई। उसने देखा कि चांद की इतनी रोशनी में सबकी परछाइयां दिख रही थी, लेकिन उस बूढ़े आदमी की परछाई ही नहीं दिख रही थी। अशोक को वो देखकर कुछ याद आया कि जब भी वो छुट्टियों में अपनी अम्मी के घर जाया करता था, उसकी नानी उसे भूतों की कहानियां सुनाया करती थी। वो कहती थी कि जिसकी परछाई ना दिखे वो शैतान होते हैं। अशोक ने दोबारा सोचा कि कहीं ये उसका भ्रम तो नहीं, इसीलिए वो चेक करने के लिए धीरे से आगे बढ़ा और वो धीरे धीरे चलकर उसके करीब चला गया। उसने देखा कि वो जो नींबू निचोड़ रहा था, उस नींबू में से रस की जगह गहरे लाल रंग का खून निकल रहा था। जैसे ही उसने वो देखा, वो बूढ़ा आदमी उसकी तरफ यानी पीछे मुड़ गया। अशोक ने जो नजारा देखा वो दिल दहला देने वाला था। उसने देखा कि उसकी पूरी शक्ल और उसका पूरा जिस्म ऐसा हो गया था मानो वो इस दुनिया के बाहर का प्राणी हो। उसके चेहरे पर से आंखें और नाक गायब हो गए थे और उसके कान बेहद बड़े हो गए थे और उसकी वो भयानक सी हंसी बेहद डरावनी थी।
उसकी वो नुकीले दांत जो कि बिल्कुल टेढ़े मेढ़े और छोटे बड़े थे, वो देखकर अशोक बेहद डर गया। दोस्तों को कुछ भी पता नहीं था कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि वो दोनों शराब के नशे में थे। वो अपने दोस्तों के पास गया और वो उन्हें उठा ही रहा था कि तभी वो अजीब सा शैतान उसके करीब आ गया। अशोक ने बहुत कोशिश की कि वो अपने दोस्तों को लेकर भाग जाए, लेकिन वो दोनों शराब के नशे में थे, इसीलिए वो उन्हें बचाकर भाग नहीं सका। अशोक वहाँ से तेजी से भागने लगा और वो दुकान के बाहर भाग ही रहा था कि इसी बीच एक पत्थर में ठोकर लगने की वजह से वो नीचे गिर गया। जब उसने पीछे पलट कर देखा तो वो शैतान उसके एकदम पीछे खड़ा था। ठंड में भी उसके पसीने छूट रहे थे। उसने डरी और सहमी आवाज में पूछा, क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? क्यों हमें मारना चाहते हो? इस जगह को गौर से देखो, क्या यहाँ पर तुम्हें दूर दूर तक इंसान नजर आते हैं? बेवकूफ इंसान, शहर से निकलकर तू मौत की बस्ती में आ गया है। इस जगह को शापित बस्ती कहते हैं। बहुत सालों पहले यहाँ पर एक छोटी सी बस्ती हुआ करती थी। तुम्हारे ही जैसे शहर के नौजवान यहाँ पर बस्ती तुड़वा कर बिल्डिंग बनाने के लिए आए, मगर हम बस्ती वालों ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। और फिर एक दिन उन हरामजादों ने पूरी बस्ती को आग लगा दी और सब के सब मारे गए। तब से हम सब की रूहें इसी जगह पर रहती हैं और ये पूरा इलाका हमारा है और हमारा ही रहेगा। हम यहाँ पर किसी भी इंसान की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते, और जो भी यहाँ पर आता है वो जिंदा बचकर वापस नहीं जाता, वो भी हमारी कौम में शामिल हो जाता है, मतलब मर जाता है। और इस इलाके में आने से लोग दिन में भी घबराते हैं, और तुम लोग रात में चले आए। तभी अचानक वहाँ पर कैब आ गई। अशोक भागता हुआ कैब में बैठ गया। जितना बन सके उतना ज्यादा तेज चलाओ। अशोक बहुत डरा हुआ था। यहाँ कैसे फंस गए जनाब? ये पूरा इलाका तो डरावने इलाके के नाम से मशहूर है। अच्छा हुआ मेरी नज़र आप पर पड़ गई, वरना मैं तो खुद यहाँ पर आने से कतराता हूँ। आप इतने डरे हुए क्यों हैं और किसको देखकर चिल्ला रहे थे? ये सुनकर अशोक के रोंगटे खड़े हो गए। इसका मतलब वो बूढ़ा शैतान सिर्फ अशोक को ही दिखाई दे रहा था। वो मेरे दोस्त अभी भी वहाँ पर हैं। कोई फायदा नहीं जनाब, आप जिंदा बच गए यही शुक्र मनाइए। अब आपके दोस्त आपको कभी नहीं मिलेंगे। इस जगह पर लोगों के गायब होने के वाकयात होते ही रहते हैं, और जो यहाँ पर एक बार लापता होता है फिर कभी नहीं मिलता जनाब। ये सुनकर अशोक वहीं बेहोश हो गया और फिर सीधा अपने घर पर ही उठा। उसे बहुत दिन तक बेहद तेज बुखार था। इस वाक्या के बाद अशोक के दोस्त यानी गौरव और रवि कभी नहीं मिले। वो आज तक लापता है।